हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश तिवारी मेरे चैनल जी के संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी SSC MT SSC GD के एग्ज़ाम देते हो तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सामान्य विज्ञान जैसे वीडियो लाते रहता हूँ, इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा रेवेरेनस ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्ट। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण से संबंधित नियम ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर। E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज किया था गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन। प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डेब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। अनुवंशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा था W. Watson ने। अनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जॉनसन ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बिडल एवं टेटम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा। यह हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त को थक्का जमने में सहायक विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लिया स्प्लीन। RBC का कब्रगाह शमशान कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं AB O। रक्त समूह के खोजकर्ता लैंस टीनर ने 1901 में। सर्वग्राही रक्त समूह AB। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंस टीनर एवं विनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। मानव में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। रक्त का क्षारीय pH होता है 7.4। सर्वप्रथम रक्त का परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली शिरा शरीर से हृदय की ओर शिरा और हृदय से शरीर की ओर धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जरावी के साथ है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है रक्त।
पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणुओं द्वारा। विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा विषाणुओं द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु कोशिका की खोज की लिवानोक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है गैस में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और ताप घटने पर ध्वनि की चाल घटती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता होती है डेसिबल में। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक की दूरी का एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^12 किलोमीटर या 9.46 × 10^15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक। जड़ों का रूपांतरण मूली गाजर। तने के रूपांतरण आलू प्याज या अदरक। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। दो वंशानुगत रोग वर्णनधता हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णनधता का वर्णन किया था हेडनर ने 1875 में। एक वर्णनधता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा एवं लाल रंग की। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायरॉइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगलियों में। भोजन पाचने में सहायक एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आर नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों दांतों में के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था मिथाइल आइसो साइनेट का। काला हीरा होता है कार्बोनेट और काला शीशा होता है ग्रेफाइट। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट हरित दवा के कारण। पत्तियों का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ और पौधे खाना तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।